हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डीएवी स्कूल शिक्षक भर्ती परमानेंट पोस्ट, इस वीडियो में हम डिटेल्स कवर करेंगे। परमानेंट पोस्ट जो रेगुलर पोस्ट रहेंगे उसके लिए 7 पे स्केल 7 सीपीसी दिया जाएगा। रेसिडेंस अवेलेबल कराई जाएगी, मेडिकल रीएम्बर्समेंट और फ्री चाइल्ड एजुकेशन, ये सब फैसिलिटीज हैं। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, नो एप्लीकेशन फी, फी नहीं है यहाँ पर। बाकी की डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट की हुई है एप्लीकेशन फॉर्म, आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। कल मैंने एक गेल टीचर रिक्रूटमेंट करके वीडियो बनाई है, वो लेटेस्ट वीडियोस में मेरे जाकर देख लें। अच्छी वैकेंसीज है क्योंकि पे स्केल है। गेल टाउनशिप में आपको रेसिडेंस अवेलेबल कराई जा रही है, मेडिकल फैसिलिटी, किड्स एजुकेशन, परमानेंट पोस्ट है खास करके। तो मेरे लेटेस्ट वीडियोज में जाकर गेल टीचर रिक्रूटमेंट करके, गेल GAIL गेल करके आप चेक कर लें, उसमें काफी पोस्ट है। अगर आपके सुटेबल पोस्ट नहीं है तो भी दूसरे पोस्ट के लिए अगर सुटेबल मीन्स आपकी क्वालिफिकेशन मैच हो जाती है तो अप्लाई कर दें, क्योंकि परमानेंट वैकेंसीज कम आ रही है, काफी कम आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की तो है ही नहीं ऑलमोस्ट। अब इसमें जो वैकेंसीज है वो है पीआरटी जनरल या एनटी फीमेल के लिए एक पोस्ट है, पीआरटी मैथमेटिक्स के लिए 1 पोस्ट है, पीआरटी इंग्लिश के लिए 1 पोस्ट है, ये सभी रेगुलर हो सकते हैं। और बाकी पीआरटी हिंदी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर है, पीआरटी साइंस पीसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर है, और इसके बाद एलडीसी। टोटल 6 ही वैकेंसीज हैं और ये वैकेंसी आई है गेल डीएवी मॉडल स्कूल से। कल भी इसी जगह से लगभग आई थी, तो सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है दोनों। वो गेल डीएवी पब्लिक स्कूल था और ये गेल डीएवी मॉडल स्कूल है। ये भी डिवियापुर में ही है, मतलब गेल के अंतर्गत ही दो अलग अलग डीएवी स्कूल्स हैं। ये गेल डीएवी मॉडल स्कूल है, प्राइमरी सेक्शन इसमें केवल पढ़ाई होती है, और वो गेल डीएवी पब्लिक स्कूल था, वहां पर प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक है, तो ये अलग है। हालांकि जॉब लोकेशन एक ही है और गेल के टाउनशिप में ही है, तो इसमें भी रेसिडेंस अवेलेबल कराई जाएगी गेल के टाउनशिप में। मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा, साथ ही साथ किड्स की एजुकेशन फ्री रहेगी स्कूल में। तो 6 वैकेंसी है इसमें। पीआरटी जनरल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट पीआरटी मैथ्स के लिए कर सकते हैं, पीआरटी इंग्लिश के लिए परमानेंट रहेंगे। बाकी 3 वैकेंसीज पीआरटी हिंदी, पीआरटी साइंस पीसीबी मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पीसीबी मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कॉम्बिनेशन जिसने पढ़ा है, और एलडीसी। अगर आप के लिए कोई सुटेबल है इसमें, क्वालिफिकेशन चेक कर लें ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर एज लिमिट में क्या है, नॉर्मल कंडीशन में एज लिमिट 35 इयर्स है, 1 अप्रैल 2022 को लेके बेस कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, सपोज आपके पास 5-6 साल के वर्क एक्सपीरियंस है, तो 35 इयर्स से अबव भी आपकी एक एज है, तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि रिलैक्स द एलिजिबिलिटी एंड एज क्राइटेरिया अप टू 5 इयर्स इन केस ऑफ एक्सेप्शनली डिजर्विंग कैंडिडेट। तो आपको लग रहा है कि जो क्वालिफिकेशन वहां पे मेंशन की है, या आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, या आपके पास एक्स्ट्रा मीन्स टीचिंग एक्सपीरियंस है, या आपको वर्क नॉलेज बहुत है, किसी तरीके की आपको एक्स्ट्रा और कुछ है, तो एक्सेप्शनली डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो उनको 5 साल की रिलैक्सेशन एज में मिलेगी। तो ये एप्लीकेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म है अवेलेबल, ये इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट से। मैं आपको लिंक दे देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें नीचे तक। ये फॉर्म फिल करके दिए गए एड्रेस पर भेज देना है 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर मीन्स कौन से 15 दिन के अंदर, 27 जून से आपको कैलकुलेट करना है डेट ऑफ पब्लिशिंग दिस एडवर्टीजमेंट, 27 जून 2022। तो 27 जून से कैलकुलेट करें 15 डेज, और एप्लीकेशन भेज दें। एप्लीकेशन कैसे भेजेंगे आप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई है, क्या 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 अटैच करना है, वो सारी चीज़ें अटैच कर दें। एंड बाय स्पीड पोस्ट, ये ध्यान दें, बाय स्पीड पोस्ट ओनली। तो गवर्नमेंट वाली जो डाक सेवा होती है वहाँ से जाके आप स्पीड पोस्ट कर दें दिए गए एड्रेस पर।